VSCC 24 News, सच के आगे कोई नहीं। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के समीप विभिन्न समस्याओं को लेकर हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। दरअसल अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर विभिन्न समस्याओं की मांगों को लेकर भाजपा नेता व रेलवे स्टेशन सलाहकार बोर्ड के सदस्य संजू बजाज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन करा। एडवोकेट संजू बजाज ने आरोप लगाते हुए बताया कि यहाँ पर शिकायतें मिल रही थी कि अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रिश्तेदारों को छोड़ने व लेने वाले लोगों से पार्किंग के नाम पर वसूली लगातार की जा रही है। अवैध वसूली रूप में 10 से 20 रुपए लगातार लिए जा रहे हैं। पार्किंग के नाम पर जब इसका विरोध किया जाता है तो यहां पर गुंडई भी की जाती है। इस पर लगातार शिकायतें मिल रही थी। हम यहां पर आए तो देखा कि यहां पर अन्य समस्याएं भी मौजूद है, जिसके बाद में अधिकारियों के साथ में बैठना हुआ। काफ़ी बहस होने के बाद माना गया कि आधा घंटा यानी कि 30 मिनट यदि कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदार या फिर अन्य साथियों को लेने या फिर छोड़ने के लिए यहां पर अपना वाहन खड़ा भी करता है तो उससे पार्किंग का नाम पर वसूली नहीं की जाना चाहिए। वहीं पर दूसरा विषय यह रहा है कि यहाँ पर लिफ्ट खराब होने की समस्या के कारण कई लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार की तरफ से लगाए गए आरओ जिसमें 2 रुपए में शुद्ध पानी भी मिलेगा वह भी बंद था, उन्हें भी चालू करने को लेकर वेंडर को निर्देशित किया गया है। तीसरी महत्वपूर्ण विषय रहा जिसमें रेलवे स्टेशन के स्थान पर अवैध ढकेल लगी होती है जिसके लेकर यहां पर अतिक्रमण किया हुआ, जिसकी शिकायत 3 से 4-5 बार की गई है। लेकिन इस विषय पर अधिकारियों से वार्ता भी हुई है कि ढकेल लगाने के नाम पर एक व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से वसूली यहां पर की जाती है, जिस पर किसी भी कीमत पर वसूली नहीं होना चाहिए। GRPO व RPF के अधिकारियों ने ढकेल लगा के लिए यहां पर निर्देशित कर दिया है। उक्त मांगों को अमल में नहीं लाया गया तो उन्होंने कहा कि वह स्वयं रेलवे बोर्ड सलाहकार समिति के सदस्य हैं और कार्यकर्ताओं के साथ में यहां पर वह पहुंचे हुए हैं। जनता की समस्या का समाधान नहीं होता है तो आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। हम योगी मोदी की सरकार को बदनाम नहीं होने देंगे। पार्किंग को लेकर जो भी समस्या है प्रदर्शन किया गया, किन मांगों को लेकर और क्या समस्याओं को लेकर किया गया? देखिए, कई समस्याओं को लेकर कई दिनों से शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पार्किंग जो बनाई गई है वहाँ पर जो लोग पिक या ड्रॉप करने आते हैं, लोग अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए या फिर उनको लेने के लिए आते हैं तो उनसे अवैध रूप से 10 रुपये ले लिए जाते हैं, 20 रुपये ले लिए जाते हैं। यदि वो विरोध करते हैं तो उनके साथ में गुंडई की जाती है। इस विषय की शिकायत लगातार मिल रही थी तो हम यहाँ पर आए। यहाँ पर आकर देखा कि यहाँ पर और भी अन्य समस्याएँ भी थी। अधिकारियों के साथ बैठना हुआ है, काफ़ी बहसा बहसी के बाद में हमारी बातों को माना गया है कि आधा घंटे तक 30 मिनट तक यदि कोई व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल, स्कूटर या फिर अन्य किसी का वाहन लेकर आता है किसी भी प्रकार का, तो उससे पार्किंग के नाम पर वसूली नहीं की जाएगी। दूसरा विषय, यहाँ पर लिफ्ट की भी कई बार समस्या आई थी कि लिफ्ट बंद पड़ी रहती हैं। RO जो लगाए गए हैं सरकार की तरफ से कि 2 रुपये में RO वाटर मिलेगा, वो भी मशीनें बंद पड़ी थी, उन्हें भी चालू करने के लिए वेंडर को निर्देशित किया गया है। तीसरा जो विषय है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि अवैध रूप से ये रेलवे के स्थान पर जो ढकेल लगी हुई हैं, जो अवैध रूप से अतिक्रमण किए हुए हैं, जिनकी शिकायतें 3 से 4 बार की गई है, उस विषय पर भी वार्ता हुई है कि ये ढकेल के नाम पर एक दानिश नाम का व्यक्ति अवैध रूप से 1000 रुपये रोज़ वसूली करता है, जिसको किसी भी कीमत पर यहाँ पर ये वसूली नहीं होने देंगे। अभी GRP और RPF के इंस्पेक्टर दोनों बैठे थे, उन्होंने हटाने के निर्देशित किए गए हैं। उक्त मांगों पर यदि अमल नहीं लाया गया तो मैं स्वयं यहाँ पर रेलवे बोर्ड सलाहकार समिति का सदस्य हूँ, मैं कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पहुँचा हूँ जनता की समस्या को लेकर। यदि जनता की समस्या का समाधान नहीं होता है तो किसी भी कीमत पर ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगे। आगे जो भी होगा रणनीति तय करके आंदोलन के लिए बाध्य करेंगे। हम योगी मोदी जी की सरकार को बदनाम नहीं होने देंगे।